हर हर महादेव। दोस्तों, आप सभी को श्रावण मास के प्रारंभ होने की हार्दिक शुभकामनाएं और श्रावण मास के साथ ही शुरू होने वाली है कांवड़ यात्रा। आज की इस वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं कांवड़ यात्रा के ऊपर, जैसे कांवड़ क्या होती है, कांवड़ कितने प्रकार की होती है, कांवड़ के क्या क्या नियम होते हैं, कौन था सबसे पहला कांवड़िया और कांवड़ यात्रा का इतिहास क्या है। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले आपको बता दें कि पब्लिक आई टिप्स चैनल आपको लगातार कांवड़ यात्रा का अपडेट दे रहा है, इसलिए आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। कांवड़ यात्रा से रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए अब इस वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है हेमंत और पब्लिक आई टिप्स चैनल में आपका स्वागत है। इस साल 14 जुलाई से शुरू हो रही है कांवड़ यात्रा। इस टॉपिक पर हमने बहुत सारे वीडियो बनाए हैं, आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। आइए सबसे पहले जानते हैं कि कांवड़ क्या होती है। कांवड़ एक खोखले बांस के डंडे से तैयार की जाती है, जिससे कांवड़िया गंगा जल भरकर अपने कंधे पर रखकर पैदल यात्रा करता है और शिवरात्रि वाले दिन उस गंगा जल से शिवलिंग का जलाभिषेक करता है। आइए अब जानते हैं कि कांवड़ यात्रा से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण नियम। कितने प्रकार की कांवड़ यात्रा होती है और सबसे पहली कांवड़ यात्रा किसने प्रारंभ की थी। सबसे पहले जानते हैं कि कांवड़ यात्रा के नियम क्या क्या है, क्योंकि यदि हम बिना नियमों के कांवड़ यात्रा करते हैं तो इससे कांवड़ यात्रा पूर्ण नहीं मानी जाती और हमें कांवड़ यात्रा का पुण्य भी नहीं मिलता। कांवड़ यात्रा के नियम कुछ इस प्रकार है कि किसी भी कांवड़ यात्री को बिना स्नान किए बिना पवित्र हुए कांवड़ को स्पर्श नहीं करना चाहिए। दूसरा, कांवड़ यात्रा के दौरान चमड़ा या फिर उससे बनी किसी भी वस्तु का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इस यात्रा के दौरान क्रोध नहीं करना चाहिए, किसी को अपद शब्द नहीं बोलना चाहिए, पूरी तरह सात्विक जीवन जीना चाहिए और सबसे महत्वपूर्ण बात कि कांवड़ यात्रा के दौरान किसी भी मांस मदिरा या फिर किसी भी प्रकार का नशा नहीं करना चाहिए। आइए अब जानते हैं कि कांवड़ कितने प्रकार की होती है। सबसे पहले होती है सामान्य कांवड़। इस कांवड़ में कांवड़ यात्री कांवड़ को अपने कंधे में रखकर पैदल यात्रा करते हैं और यात्रा में कहीं भी जब उनका मन करता है वो कांवड़ रखकर विश्राम भी करते हैं। इस कांवड़ यात्रा में समय की कोई सीमा नहीं होती है। दूसरी कांवड़ है डाक कांवड़। इस कांवड़ यात्रा में पूरे रास्ते पर रुकना मना है। लगभग जिस समय गंगा जल को भरा जाता है उसी समय से कांवड़िया गंगा जल को लेकर कांवड़िया प्रारंभ कर देता है और अपने कर्तव्य स्थान तक बिना रुके पहुंचता है। इस कांवड़ यात्रा में समय की सीमा भी होती है। तीसरी कांवड़ है खड़ी कांवड़। यह कांवड़ भी सामान्य कांवड़ की तरह पैदल की जाती है, परंतु इस कांवड़ यात्रा में कांवड़ को किसी भी स्थान पर नहीं रखा जाता है। कांवड़ियों के साथ एक मददगार अवश्य होता है, ताकि जब वह कांवड़िया थक जाए और उसका आराम करने का मन हो तब वह कांवड़ अपने साथी को पकड़ा सकता है, परंतु कांवड़ को कहीं रखा नहीं जाता है। और चौथी कांवड़ है दांडी कांवड़, मतलब दंड देकर के कांवड़ यात्रा करना। ये भक्त लेट लेट कर पूरे मार्ग को पूरा करके अपने कर्तव्य स्थान तक पहुँचता है। तो ये थी चार प्रकार की कांवड़ यात्राएँ। आइए अब जानते हैं कि कांवड़ यात्रा किसने शुरू की थी, कौन था जो सबसे पहला कांवड़िया था। कांवड़ यात्रा के इतिहास की कथा कुछ इस प्रकार है कि एक समय भगवान परशुराम जी ने पृथ्वी से सभी दुष्टों का संहार करके पूरी पृथ्वी पर विजय प्राप्त की थी। उसके बाद परशुराम जी पृथ्वी पर विचरण करने के लिए निकले थे। विचरण करते करते एक समय वह आज के मेरठ शहर के पास बागपत जिले से 4 किलोमीटर दूर पूरा नामक स्थान पर पहुँचे। भगवान परशुराम जी ने उस पूरा नामक स्थान पर कुछ देर विश्राम किया। परशुराम जी को वह स्थान बहुत आनंद से प्रतीत हुआ। उन्होंने सोचा कि इस स्थान पर शिवलिंग की स्थापना की जाए। शिवलिंग की स्थापना करने के लिए भगवान परशुराम जी को एक पत्थर की आवश्यकता थी। उस पत्थर की खोज करते करते परशुराम जी हरिद्वार माँ गंगा के तट पर पहुँचे और माँ गंगा से प्रार्थना करने लगे। भगवान परशुराम जी की प्रार्थना सुनकर वहां जितने भी पत्थर और शिलाएं थी वह जोर जोर से रोने लगे। वह कहने लगे कि हम माँ गंगा का आंचल छोड़ कर के और किसी भी स्थान पर नहीं जाना चाहते। तब भगवान परशुराम जी ने उन्हें यह आश्वासन दिया कि यदि तुम मेरे साथ चलेंगे तो चिरकाल तक तुम्हारा गंगा जल से जलाभिषेक किया जाएगा। यह बात सुनकर वहाँ मौजूद पत्थर भगवान परशुराम जी के साथ चलने को तैयार हो गए। तब हरिद्वार से पत्थर लाकर परशुराम जी ने पूरा नामक स्थान में शिवलिंग के रूप में स्थापित किया और उस मंदिर को पूरा महादेव मंदिर का नाम दिया
और अपने वचनों अनुसार भगवान परशुराम जी श्रावण के प्रत्येक सोमवार को हरिद्वार से माँ गंगा का जल अपनी कावड़ में भरकर पैदल लाते और पूरा महादेव के शिवलिंग पर उस जल से जल अभिषेक किया करते थे। तो यह थी प्रथम कावड़ यात्रा जो भगवान परशुराम जी ने शुरू की थी। देखिए जिस तरह से कुछ लोगों की ऐसी श्रद्धा होती है, कुछ मन्नतें पूरी होती होंगी, वो इस तरह से अपनी यात्रा को पूरी करते हैं चलकर। आप कैसे जाते हैं? आप वह पूरा महादेव मंदिर आज भी मेरठ शहर के पास बागपत जिले से 4 किलोमीटर दूर पुरेश्वर महादेव या फिर पूरा महादेव के नाम से जाना जाता है। तब से लेकर आज तक यह प्रथा चलती आ रही है। आज के दौर में भी करोड़ों की संख्या में शिव भक्त हरिद्वार से गंगा जल लेकर अपनी कावड़ में लाते हैं और पूरा महादेव या फिर अपने निकट के शिवलिंग पर जल अभिषेक करते हैं। तो दोस्तों ये थी कावड़ यात्रा से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो पब्लिक आई टिप्स चैनल को सब्सक्राइब करें। कावड़ यात्रा की और अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट www.publicitips.com पर जाकर विजिट भी कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।